हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से थोड़ा स्वागत है। आज 14 अगस्त है तो आप रेडी अपने करंट अफेयर सैशन के नाल। करंट अफेयर सैशन जरा कि इंपोर्टेंट होएगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, PPSC, SSC, CGL, CHSL या बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। आप स्टार्ट करते हैं अज द सैशन के सब तो पहले आप डिस्कस करेंगे उन्होंने न्यूज़ में जिन्होंने कल आप MCQ फॉर्म के डिस्कस किया, तो फिर चलेंगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ में आप डिस्कस करेंगे। इस तो अलावा सब तो पहले चैन सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी तुम शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के नाल, वट्सएप, टैलीग्राम, फेसबुक, जिथे भी शेयर कर सकते हो शेयर करना स्टार्ट कर दो। आप स्टार्ट करते हैं सैशन मिशन IBPS RRB JEE पंजाब, पंजाब पुलिस SI और पटवारी के लिए नवे बैचिस ने। अगर तुम इस एनरोल करवाना चाहते हो, एनरोल करवाने के लिए तुम साड़ी वैबसाइट में विजिट कर सकते हो या फिर तुम साड़ी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। वैबसाइट में विजिट करने के लिए लिंक इतने दिता हुआ है। और इस अलावा अगर तुम किसी भी तरीके की क्रैश कोर्स या मॉक टेस्ट सीरीज भी बाय करना चाहते हो तो भी तुम इस वैबसाइट में विजिट कर सकते हो। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो। आप स्टार्ट करते हैं सैशन सब तो पहले 12th अगस्त। 12th अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व किया गया। इंटरनेशनल यूथ डे 12th अगस्त को ऑब्जर्व किया गया, जिसकी थीम रही यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन इस दिन की थीम रही थी 12th अगस्त। नेक्स्ट है पतंजलि झा को प्रिंसीपल चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया गया इनकम टैक्स का प्रिंसीपल चीफ कमिश्नर किन्हां नूं अपॉइंट किया गया? पतंजलि झा नूं। नैक्सट है कनैक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग इस बुक नूं रिलीज़ किया राजनाथ सिंह ने, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। वाइस प्रेजिडेंट कौन ने? M. वेंकैया नायडू। इन्हां दी तीसरा साल पूरा होने के कारण 3 साल के उत्ते इन्हां दी एक बुक रिलीज़ की है, कनैक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग। इस तो इलावा इस बुक का जिहड़ा ई बुक वर्जन है उसनों प्रकाश जावेदकर द्वारा रिलीज़ किया गया। इस बुक का ई बुक वर्जन रिलीज़ किया गया प्रकाश जावेदकर द्वारा और इस बुक नूं रिलीज़ किया गया राजनाथ सिंह द्वारा। नेक्स्ट है 14th दलाई लामा एंड जर्मन इनवायरमेंटलिस्ट फ्रांस अली, दो जने ने मिलकर एक बुक नूं रिलीज़ किया, ओनली आवर होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। इस बुक नूं रिलीज़ किया गया 14th दलाई लामा ने प्लस फ्रांस अली और 14th दलाई लामा द्वारा इसनों रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट है लेबनान के जिहड़े प्राइम मिनिस्टर ने हसन दयाब ने अपनी पोस्ट तो रिज़ाइन किया। लेबनान प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। इत्थे दी कैपिटल बीरट है, करंसी पाउंड चलती है। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन द्वारा 1.65 मिलियन यूरो यूरोपियन यूनियन ने प्रोवाइड किए ने ह्यूमैनिटेरियन एड दे ली ताकि बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल नू प्रोवाइड किए जा सकन। किस दे लई? ह्यूमैनिटेरियन एड दे लई, बेसिकली उन्हां कंट्रीज़ नू प्रोवाइड किए जा रहे ने जिहड़ी फ्लड दे नाल नुकसान च गईयां सीगियां। नेक्स्ट है DAC डिफेंस एक्विजिशनल काउंसिल द्वारा 8,722 करोड़ बेसिकली प्रोवाइड किए गए ने इंडियन एयरफोर्स के लिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने की किया? एक MOU साइन किया टाटा प्रोडक्ट्स और IIT बॉम्बे। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने किस दे नाल, किस ऑर्गेनाइजेशन दे नाल एग्रीमेंट साइन किया? IIT बॉम्बे दे नाल कनॉट पैलेस दे विच स्मोक टावर लाउन दे लई, टू कंस्ट्रक्ट अ स्मोक टावर इन कनॉट पैलेस, कनॉट पैलेस दे विच स्मोक टावर लगान दे लई। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इन्हां द्वारा लॉन्च किया गया नैशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज। अगर आप गल करिए कृषि मेघ नू नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च किया गया है, एक ही है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन सिस्टम है। ये बेसिकली जॉइंट वेंचर है ICAR और WB
यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक का जॉइंट वेंचर है, 1100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और इसनु लॉन्च किया गया एग्रीकल्चर एजुकेशन नु इंप्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर एजुकेशन नु इंप्रूव करने के लिए, और 4 साल का यह प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट कितने साल का है? 4 साल का। नेक्स्ट है इंडिया, इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया मालदीव के नाल, इंडिया और मालदीव ने एग्रीमेंट साइन किया है किसके लिए? फॉर डिवलपमेंट ऑफ 5 इको जोन टूरिस्ट जोन, 5 इको जोन टूरिस्ट जोन बनाने के लिए, 5 इको जोन टूरिस्ट जोन बनाने के लिए इंडिया ने मालदीव के नाल एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट है रशिया, रशिया ऐसी पहली कंट्री बनी है जिसने COVID-19 वैक्सीन लॉन्च की है, फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च COVID-19 वैक्सीन। किस नाम देते इसनों लॉन्च किया गया? स्पुतनिक फाइव के नाम से इसनों लॉन्च किया गया। बेसिकली एक सैटेलाइट सी, पहली सैटेलाइट जिसनों सोवियत यूनियन द्वारा 1957 दे विच, सोवियत यूनियन द्वारा 1957 दे विच जिसनों लॉन्च किया गया सी। नेक्स्ट है रिलायंस, रिलायंस अगर आप गल करिए फॉर्चून टॉप ग्लोबल, टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज 2020, एक लिस्ट जारी की गई फॉर्चून दी टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज 2020, जिस दे विच रिलायंस किन्नवे नंबर पर आ गई है? 96 नंबर पर, और इस लिस्ट नू टॉप किया गया वॉलमार्ट द्वारा। फॉर्चूनस टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज लिस्ट दे विच रिलायंस इंडिया की एक कंपनी 96 नंबर पर आ गई है और वॉलमार्ट है जो वह फर्स्ट नंबर पर है। नेक्स्ट है नियर बाय शेयर, एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई नियर बाय शेयर, अगर आप गल करिए शेयर इट की, तो शेयर इट नू रिप्लेस किया गया नियर बाय शेयर के नाल। गूगल ने अपनी एक शेयरिंग एप्लीकेशन लॉन्च की नियर बाय शेयर फॉर एंड्रॉयड यूजर्स। नेक्स्ट है पेटीएम की गल, पेटीएम अगर आप गल करिए इंडियाज फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉयड स्मार्ट POS, इंडिया का पहला पॉकेट एंड्रॉयड स्मार्ट पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, COVID-19 के दौरान कॉन्टैक्टलैस ऑर्डरिंग और पेमेंट के लिए पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लॉन्च किया गया पेटीएम द्वारा। किसने लॉन्च किया इसको? पेटीएम द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया फ्लिपकार्ट लीप प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट लीप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है टू ओपन अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम स्टार्टअप इन इंडिया, इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स ने उन्होंने अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए फ्लिपकार्ट लीप प्रोग्राम फ्लिपकार्ट द्वारा इंडिया के लॉन्च किया गया। गोवा, गोवा नू GI टैग दिता गया खाजे हरमल और मोरजा बनाना दे, खाजे हरमल और मोरजा बनाना दे गोवा नू GI टैग दिता गया। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल और म्यूजियम बनाने की अनाउंसमेंट की है रायपुर के, रायपुर के इसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया। इस रिलेटेड डिटेल के डिस्कस करेंगे, एक न्यूज़ है आप डिस्कस करेंगे क्वेश्चन फॉर्म के। नेक्स्ट है गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने विजय रूपानी, इन्होंने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना लॉन्च किया। नेक्स्ट है असम, असम रिलेटेड दो न्यूज़ डिस्कस की अपने, एक तो असम गवर्नमेंट ने अप्रूव की है असम दा नॉन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, असम्स नॉन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रूल्स 2020। बेसिकली प्राइवेट स्कूल्स की अगर आप गल करिए उस दे विच फीस दे रिलेटेड रेगुलेशन पास किया है, अप्रूव किया है असम गवर्नमेंट ने। दूसरा असम गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन अप्रूव किया, प्रपोजल अप्रूव किया बजाली, बजाली नू अपना 34th डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करन दे लई, बजाली नू 34th डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करन दे लई असम गवर्नमेंट द्वारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया। नेक्स्ट है स्टैटिक पोर्शंस दे विच हुण आपां डिस्कस करन जा रहे हैं स्टेडियम्स दे बारे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेडियम्स जो कि इंडिया दे विच ने इंपोर्टेंट बनणगे उन्हां दे बारे डिस्कस करांगे। उस तो इलावा बाद आपां डिस्कस करांगे नैशनल लैवल दे उत्ते जिहड़े स्टेडियम्स इंपोर्टेंट बनदे ने एग्जाम दे विच पुछे जा सकदे। सब तो पहले इंद्रप्रस्थ स्टेडियम, इंद्रप्रस्थ स्टेडियम कितने है? न्यू दिल्ली के, इंदौर गेम्स के लिए इंपोर्टेंट है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम,
फिरोज शाह, कोटला स्टेडियम भी न्यू दिल्ली के विच है और क्रिकेट के लिए इंपोर्टेंट है। इस तो इलावा इंपोर्टेंट फैक्ट इस रिलेटेड ये याद रखना, इसका नाम रीसेंटली चेंज किया गया, इसका नाम रीसेंटली चेंज करके किन्हां दे उत्ते रखा गया, अरुण जेटली जी के नाम उत्ते। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया। शिवाजी स्टेडियम न्यू दिल्ली हॉकी दे लई, नैशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली हॉकी दे लई। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी न्यू दिल्ली दे विच है एथलैटिक्स दे लई है, और अंबेडकर स्टेडियम भी न्यू दिल्ली दे विच है जो कि फुटबॉल दे लई है। ठीक है जी, इंपोर्टेंट बन गए अंबेडकर स्टेडियम न्यू दिल्ली फुटबॉल, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम वेरी 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 इंपोर्टेंट बनेगा क्रिकेट दे लई है और न्यू दिल्ली दे विच है। नाम रीसेंटली चेंज किया गया अरुण जेटली जी के नाम के उत्ते। नेक्स्ट चलते हैं अज की फर्स्ट न्यूज़ के वल। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इस बुक नू किन्ना द्वारा रिसेंटली रिलीज़ किया गया, इस बुक नू रिसेंटली रिलीज़ किया गया किन्ना द्वारा, इस बुक नू रिलीज़ किया गया योगेंद्र यादव द्वारा। एक बुक रिलीज़ की गई मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी किसने रिलीज़ किया, किसने, इस बुक के ऑथर कौन ने, योगेंद्र यादव। एक बुक होर डिस्कस करते हैं, कमलेश सुतार, कमलेश सुतार द्वारा भी एक बुक रिसेंटली रिलीज़ की गई है, इस बुक का नाम है 36 डेज। इस बुक नू 36 डेज नाम की बुक किस द्वारा लिखी गई है, कमलेश सुतार द्वारा। इस तो इलावा कुछ पुरानी न्यूज़ डिस्कस करते हैं, कुछ पुरानी बुक्स डिस्कस कर लेने हैं। सब तो पहले यतीश यादव, यतीश यादव ने एक बुक लिखी सी रो अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशंस, रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग द ऑपरेशंस के उत्ते एक बुक लिखी गई, रो द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। इस तो इलावा इस सैक्रेटरी का नाम याद रखना है, रो के सैक्रेटरी सामंत गोयल ने, न्यू दिल्ली के हेडक्वार्टर है, याद रखना है। आर सी भार्गव द्वारा जी बुक लिखी गई सी, उसका बुक का नाम सी गेटिंग कंपीटिटिवनेस। और उर्जित पटेल बेसिकली फॉर्मर गवर्नर रह चुके ने RBI दे, और इन्हों द्वारा जी बुक लिखी गई सी उस बुक का नाम सी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। नेक्स्ट है अ माइक्रोवेव डिवाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक माइक्रोवेव डिवाइस लॉन्च किया गया अतुल्य, बेसिकली एक माइक्रोवेव की तरह है, एक बॉक्स की तरह अतुल्य नाम का डिवाइस लॉन्च किया गया, जिहड़ा कि किसी भी प्लेस नू किसी अपने नाल दे 5 मीटर तक के इलाके नू की कर सकता है, डिसइनफेक्ट कर सकता है COVID-19 तो सिर्फ 30 सैकेंड्स दे विच। इसनू किस द्वारा अनवील किया गया, रिलीज़ किया गया, लॉन्च किया गया, इसनों लॉन्च किया गया नितिन गडकरी द्वारा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर प्लस हाईवेज एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी, नागपुर महाराष्ट्र तो लोकसभा MP ने, और नागपुर के विच ही इसनों लॉन्च किया गया। ठीक है जी, ये याद रखना। इस तो इलावा इस रिलेटेड एक होर फैक्ट है कि DRDO द्वारा इसनों सर्टिफाइड किया गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसनों सर्टिफाइड किया गया, और यह फ्रेंच और अमेरिकन टेक्नोलॉजी के उत्ते बेस्ड है, फ्रेंच और अमेरिकन टेक्नोलॉजी के उत्ते बेस्ड है, और यह 100% कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया के उत्ते, या कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत के उत्ते बनाया गया, यानी कि इंडिया के विच डेवलप किया गया। ठीक है जी, काफ़ी इंपोर्टेंट डिवाइस अतुल्य नितिन गडकरी द्वारा। इस तो इलावा राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोकसभा MP ने, और हुणे आपां डिस्कस करके हटे हाँ DAC से रिलेटेड न्यूज़, 8,722 करोड़ रुपए रीसेंटली सेंक्शन किए हैं। निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, और इस तो इलावा यह राज्यसभा MP ने कर्नाटका तो, राज्यसभा MP ने यह कर्नाटका तो। डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने प्लस अर्थ साइंस मिनिस्टर ने न्यू दिल्ली तो लोकसभा MP ने, चांदनी चौक न्यू दिल्ली तो लोकसभा MP ने। सुब्रमण्यम जयशंकर की गल करिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने या फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर कह सकते हैं, और यह राज्यसभा MP ने गुजरात तो। इन्हों की एक रिसेंटली बुक रिलीज़ की गई है, इन्हों द्वारा एक रिसेंटली बुक लिखी गई है, उस बुक का नाम कमेंट बॉक्स के दसना।
नेक्स्ट है, हू हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एक्टर्स 2020। एक लिस्ट जारी की गई फोर्ब्स की, फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एक्टर्स 2020 की जी लिस्ट है वह जारी की गई। उस लिस्ट नू किसने टॉप किया है? ड्वेन जॉनसन ने। ड्वेन जॉनसन, तुसी अगर जैसे WWE का शौक है तो उसने रॉक का नाम सुने होएगा, रॉक के नाम तो फेमस ने ड्वेन जॉनसन, ठीक है, या फिर काफ़ी ज़्यादा फेमस मूवीज़ के पार्ट भी ने। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करिए फास्ट एंड फ्यूरियस के पार्ट ने, ठीक है, ड्वेन जॉनसन इन्हों फोर्ब्स का हाईएस्ट पेड एक्टर 2020 चूज़ किया गया, ठीक है जी, की बने ने फोर्ब्स के हाईएस्ट पेड एक्टर 2020 के। इस तो इलावा एक होर इंपोर्टेंट नाम से इस लिस्ट के अक्षय कुमार। अगर इंडिया की गल करिए, बॉलीवुड की गल करिए, टॉप 10 दे विच इकलौता नाम सी अक्षय कुमार दा। अक्षय कुमार इस लिस्ट दे विच टॉप 10 दे विच शामिल सीगे, ठीक है जी। इस अगर आप इस लिस्ट की गल करिए, टॉप 10 दे विच ओनली बॉलीवुड एक्टर किन्नवे नंबर ते? छेवें नंबर ते इस लिस्ट दे विच सीगे, और इन्हां दी टोटल वैल्थ सी 48.5 मिलियन US डॉलर्स, 48.5 मिलियन US डॉलर दी वैल्थ दे नाल यह 6th नंबर पर रहे ने इस लिस्ट दे विच, ठीक है जी। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। बेसिकली जर्नलिज्म दे रिलेटेड अगर आप गल करिए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म दे रिलेटेड एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 किसने जीते? इस अवार्ड नू जीता गया है, अपना आंसर होएगा बोथ ऑप्शन वन एंड टू। बेसिकली इस अवार्ड नू जीतिया नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह द्वारा इस अवार्ड नू जीतिया गया। अगर आप गल करिए नितिन सेठी की, तो नितिन सेठी हफिंगटन पोस्ट विच काम करते ने, जर्नलिस्ट ने, और इन्होंने इस अवार्ड नू जीतिया पैसा पॉलिटिक्स स्टोरी दे ली। नितिन सेठी नू यह अवार्ड दिता गया, और शिव सहाय सिंह द हिंदू दे विच जर्नलिस्ट ने, और इन्होंने इस अवार्ड नू जीतिया डैथ बाय डिजिटल एक्सकलूजन दे ली। इन्हां दी स्टोरी सी डैथ बाय डिजिटल एक्सकलूजन, ठीक है जी। इस तो इलावा सुनील यादव की अगर आप गल करिए, तो सुनील यादव के बारे अपने लास्ट वीक ही शायद डिस्कस किया, इन्होंने जीतिया करमवीर चक्र अवार्ड, करमवीर चक्र अवार्ड जो कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्लस NGO की ऑर्गेनाइजेशन सी या समथिंग बी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ NGO इन्होंने मिल के करमवीर चक्र अवार्ड दिता सी सुनील यादव नू। बेसिकली इन्हों एक मोटिवेशनल चैनल सीगा टैलीग्राम देते, जिस दे विच मोटिवेशन दे लई प्रोवाइड करन दे लई लोगों नू यह अवार्ड इन्हों दिता गया, ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी इन इंडिया टू टेस्ट अ रॉकेट इंजन डेवलप्ड इन इंडिया। इंडिया दे विच पहली ऐसी एरोस्पेस कंपनी जिसने रॉकेट इंजन डेवलप किया है। सुनी याद होएगा आप डिस्कस किया SpaceX के बारे, ठीक है जी। अपना वैसे आंसर होएगा इज़ द स्काई रूट। अपने SpaceX के बारे डिस्कस किया, SpaceX ऐसी पहली कंपनी बनी सी जिसने प्राइवेट कंपनी बनी सी जिसने की किया, दो एस्ट्रोनोट्स नू स्पेस दे विच भेजा सी, ठीक है जी, याद रखना। और यह कित्थे दी है? USA दी। सिमिलर तरीके दे नाल Skyroot एक कंपनी है, एक एरोस्पेस कंपनी है जो कि इंडिया दे विच है। बेसिकली अगर आप गल करिए इंडिया दे हैदराबाद दे विच है, ठीक है। इन्हां द्वारा एक रॉकेट इंजन डेवलप किया गया, और यह रॉकेट इंजन का नाम इन्होंने रखे है रमन। अगर आप गल करिए प्रोफेसर CV रमन के नाम के उत्ते, CV रमन एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने नोबल अवार्ड जीतिया सीगा, इंडियन साइंटिस्ट CV रमन, इन्हों के नाम के उत्ते रमन नाम तो इन्होंने इसनों एक प्राइवेट इंजन रॉकेट इंजन डेवलप किया, ठीक है जी, याद रखने। इस तो इलावा JAXA की गल करिए, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA, ISI इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन।
और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की गल करिए काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा। इसरो दे फैक्ट कि 15 अगस्त 1969 उसनु बनाया गया सी, के सिवान इस दे चेयरमैन ने और कर्नाटका बेंगलुरु दे विच इस दा हेडक्वार्टर है। के सिवान की गल करिए रिसेंटली इन्होंने वॉन करमन अवार्ड भी जीते है, के सिवान द्वारा रिसेंटली वॉन करमन अवार्ड जीते गए। ठीक है जी, यही याद रखने ने सारे फैक्ट्स। नेक्स्ट है, विच यूटी अनवील्स अ डिफरेंट फ्लैग फॉर इट्स पुलिस, अपनी स्टेट दी सॉरी यूटी अपनी यूटी दी पुलिस दे लई इन्हां द्वारा एक डिफरेंट फ्लैग लॉन्च किया गया है। केड़ी यूटी द्वारा इसनों लॉन्च किया गया? लद्दाख द्वारा। बेसिकली लद्दाख दे लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर द्वारा इसनों लॉन्च किया गया। इस दे विच बेसिकली दो चीज़ा इंपोर्टेंट बन गई, वैसे तीन चीज़ा इंपोर्टेंट बन गई कि केड़ी यूटी दे विच किसने किया? आर के माथुर ने लद्दाख दे विच। इस तो इलावा उस दे एक मोटो लिखा गया उस दे उते सर्विस एंड करेज, सर्विस एंड करेज उस दे उते मोटो है। और उस दे उते स्नो लियोपार्ड दी एक साइन लगाया गया। ठीक है, स्नो लियोपार्ड दा साइन है उस दे उते, सर्विस एंड करेज इज अ मोटो है। और किसने लॉन्च किया? लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने। ठीक है जी, तीन क्वेश्चन बनेंगे, तीनों याद रखने। अच्छा, स्नो लियोपार्ड तो याद आता है, स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क के। स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड। इस तो अलावा जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर रीसेंटली अपॉइंट किए गए हैं मनोज सिन्हा। इस तो अलावा अगर आप गल करिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बेजल ने और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। चंडीगढ़ की गल करिए चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर ने वीपी सिंह बदनौर जो कि पंजाब के गवर्नर भी ने। पौडीचेरी की गल करिए इतने के चीफ मिनिस्टर का नाम कमेंट बॉक्स के चल ची मैं दस देना वी नारायण स्वामी। इतने के चीफ मिनिस्टर ने वी नारायण स्वामी और इतने के जोड़े गवर्नर ने उन्हें किरण बेदी इन्हों का नाम है। ठीक है जी, ये याद रखना। नेक्स्ट है, Who has launched the Swachh Bharat Mission Academy as a part of Gandagi Mukt Bharat the week long campaign? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀਕ ਲੌਂਗ ਕੈਂਪੇਨ ਗੰਦਗੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ मिशन अकैडमी इसनों लॉन्च किया गया। इसनों लॉन्च किया गया किन्ना द्वारा? जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जोधपुर राजस्थान तो लोकसभा एमपी ने। राव इंद्रजीत सिंह प्लानिंग मिनिस्टर ने, प्रोग्राम एंड स्टेटिस्टिक्स इंप्लीमेंटेशन मिनिस्टर ने, प्लानिंग और प्रोग्राम एंड स्टैटिस्टिक्स इंप्लीमेंटेशन मिनिस्टर ने, गुरुग्राम हरियाणा तो लोकसभा एमपी ने। प्रहलाद जोशी की गल करिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कोल मिनिस्टर और माइन मिनिस्टर धरवर कर्नाटका तो लोकसभा एमपी ने। पीयूष गोयल की गल करिए पीयूष गोयल रेलवे कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर राज्यसभा एमपी फ्रॉम महाराष्ट्र। गिरिराज सिंह बेगूसराय बिहार तो लोकसभा एमपी ने गिरिराज सिंह, और एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज एंड डेयरीज मिनिस्ट्री दो मिनिस्ट्रियां देख रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज एंड डेयरिंग मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू केनिया? केनिया दे लई इंडिया दे नेक्स्ट हाई कमिश्नर कौन अपॉइंट किए गए? केनिया दे लई इंडिया नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए ने वीरेंद्र कुमार पोल नू इंडिया दा केनिया दे लई हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया। केनिया की अगर आप गल करिए केनिया कैपिटल नायरोबी है और करंसी इत्थे शिलिंग चलती है। इस तो इलावा मनीष प्रभात उज़्बेकिस्तान के लिए अपॉइंट किए गए, ये भी रीसेंटली अपॉइंटमेंट्स है।
अपॉइंटमेंट्स दे विच उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान दे एंबेसडर अपॉइंट किए गए ने मनीष प्रभात। कैपिटल इतने ताशकंत है, कैपिटल ताशकंत है, करंसी इतने सोम चलती है। रामकरण वर्मा, रामकरण वर्मा अपॉइंट किए गए ने कोंगो दे लई, रिपब्लिक ऑफ कोंगो दे लई अपॉइंट किए गए ने रामकरण वर्मा। कैपिटल है किनहासा, कैपिटल किनहासा है, करंसी इतने फ्रैंक चलती है। विनय मोहन खतरा, विनय मोहन खतरा की गल करिए, अपॉइंट किए गए सी नेपाल दे। ये कितने के ब्रांड एंबेसडर ने, इंडियाज एंबेसडर टू ने, ब्रांड एंबेसडर नहीं सॉरी, इंडियन एंबेसडर टू नेपाल है, ठीक है जी। इस तों अलावा नेपाल कैपिटल काठमांडू है, करंसी रूपी चलती है, नेपाली रूपी। विनय मोहन खतरा की गल करिए, रिसेंटली अपने एक न्यूज़ डिस्कस की थी इन्हें रिलेटड कि इन्होंने 10 वेंटीलेटर्स प्रोवाइड किए ने नेपाल नू, नेपाल नू 10 वेंटीलेटर्स एज ए गिफ्ट के तौर पर दिए गए ने विनय मोहन खतरा द्वारा, या कह सकते इंडिया द्वारा, इंडिया वालों विनय मोहन खतरा द्वारा इस इन्हों दिता गया। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAIL, इसनों शॉर्ट फॉर्म दे विच स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम तो जाने जाते हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे हेड अपॉइंट किए गए ने, चेयरमैन अपॉइंट किए गए ने सोमा मंडल। हालांकि इसके चेयरमैन अनिल चौधरी ने, इस टाइम इसके चेयरमैन अनिल चौधरी ने, और अनाउंस किया गया कि जनवरी तो, नैक्सट जनवरी तो, जनवरी 2021 तो सोमा मंडल इसके हैड अपॉइंट किए जाएंगे। अनाउंसमेंट पहले ही कर दी गई है, नाम पहले ही क्लीयर कर दिया गया, सोमा मंडल, ठीक है जी, याद रखना, चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस तो अलावा एक अपॉइंटमेंट होर डिस्कस करते हैं, हर्ष कुमार बनवाला, हर्ष कुमार बनवाला नू कैपिटल इंडिया फाइनेंस का, कैपिटल इंडिया फाइनेंस का चेयरमैन अपॉइंट किया गया, कैपिटल इंडिया फाइनेंस का चेयरमैन अपॉइंट किया गया हर्ष कुमार बनवाला, हर्ष कुमार बनवाला। इस तो अलावा गोविंदा चिंतला राजू, गोविंदा चिंतला राजू चेयरमैन ने नबार्ड दे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इस दे हेड ने गोविंदा चिंतला राजू, गोविंदा चिंतला राजू। अश्वनी कुमार तिवारी, ये भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट की गई इन्हों की भी, SBI कार्ड दे विच, SBI कार्ड दे हेड अपॉइंट किए गए ने अश्वनी कुमार तिवारी, अश्वनी कुमार तिवारी नू SBI कार्ड का हेड अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ एंडेड लॉन एंड ऑयल सप्लाई टू पाकिस्तान, पाकिस्तान की गल करिए, पाकिस्तान नू लोन दिता गया और ऑयल सप्लाई दी जाती सी एक कंट्री द्वारा, ठीक है, उस कंट्री ने प्रॉपरली तरीके दे नाल सप्लाई बंद कर दी और लोन की जी अमाउंट थी वह भी वापस मंग ली है। इसदे बेसिकली एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, वो आप डिस्कस करते हैं। आंसर है अपना साउदी अरेबिया, की है कि साउदी अरेबिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, या कह सकते UAE भी हो गया, ये जी कंट्रीज ने OIC का पार्ट ने, OIC की फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक और सॉरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इस्लामिक कॉरपोरेशन, ठीक है जी। पाकिस्तान जी कंट्री है, पाकिस्तान कह रही है कि जड़ा POK वाला एरिया है, POK वाला एरिया है, वह पाकिस्तान चाहते कि पाकिस्तान को ले आ जाए, ठीक है। इस दे लई OIC दे विच पाकिस्तान बार बार डिमांड कर रहा है कि साउदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया, कि तुम साडा साथ दो और तुसी की करो सानू भी ए कहो कि हाँ ये एरिया पाकिस्तान नू मिलना चाहिए, UN दे विच अनाउंस, UN दे विच साड़ी हेल्प करो, ठीक है। पर इन्होंने प्रॉपर तरीके नाल मना कर दिता कि असी इस तरीके नाल नहीं कर सकते जदों तक तुसी सानू प्रॉपर सबूत नहीं दिंदे कि POK दे विच जिहड़े लोग ने वो दुखी ने और वो चाहते ने कि इंडिया का पार्ट ना होण और पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हैं, ठीक है जी। तो इन्होंने बार बार करन तो बाद साउदी अरेबिया ने नाराज़गी जताई और साउदी अरेबिया ने कहा कि वो एक अपना लोन है और ऑयल सप्लाई पाकिस्तान नू जिहड़ी दे रहे ने उसनू प्रॉपरली तरीके नाल बंद किया है। COVID-19 के दौरान इन्ना लवे अमाउंट दे विच हेल्प करन दे लई साउदी अरेबिया ने इसका पार्ट बनी सी और साउदी अरेबिया ने हुण प्रॉपरली 1 बिलियन की अमाउंट वापिस मंग ली है, पाकिस्तान तो 1 बिलियन की अमाउंट वापिस मंग ली है, ठीक है जी, ये याद रखना। अच्छा, इज़राइल की गल करिए, इज़राइल तो याद रखना इंडिया ने स्पाइक मिसाइल बोरो की सी,
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਸਪਾਈਕ ਮਿਸਾਈਲ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹੋ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ LMG ਗਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਾਦ ਔਰ ਕੈਮਲ ਇਹ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਵਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਵਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। UAE ਰਿਲੇਟਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ IPL ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ IPL ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੂਮੈਨਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ BCCI ਦੁਆਰਾ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ, ਕਿ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹੂ ਇਜ਼ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਜੋ ਬਿਡਨ ਐਜ਼ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੋਮੀਨੀ ਆਫ USA। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ USA ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਜਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ BJP ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਔਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਔਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਡਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੋਮੀਨੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜੋ ਬਿਡਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨੋਮੀਨੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ USA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣ ਜਾਣ? ਜੋ ਬਿਡਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨੋਮੀਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਮਾਲਾ ਹਰਿਸ ਨੂੰ। ਕਮਾਲਾ ਹਰਿਸ ਵੂਮੈਨ ਨੇ ਔਰ ਬਲੈਕ ਵੂਮੈਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ US ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਪੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ USA ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਮਾਲਾ ਹੈਰਿਸ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ USA ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਨਾਮਸ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਥੀ ਸੁਲੀਵਨ ਫਸਟ ਐਸੇ ਵੂਮੈਨ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਪੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਰਥ ਦਾ ਡੀਪੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਆਨਾ ਟ੍ਰੈਂਚ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਡੀਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਬਣੇ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕੋਚ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਸਾ ਦੇ ਸਪੇਸ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਟ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵੂਮੈਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵੂਮੈਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਆਫ ਏ ਵੂਮੈਨ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕੋਚ ਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕੈਰਮਨ ਰੈਨਹਾਰਟ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ Washington DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਚੀਫ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਕੈਰਮਨ ਰੈਨਹਾਰਟ। ਔਰ ਅੰਸ਼ੁਲਾ ਕਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੀ MD ਐਂਡ CEO ਨੇ ਅੰਸ਼ੁਲਾ ਕਾਂਤ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ MD ਐਂਡ CEO ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਖੁੰਤੀ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਕੋਚ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੋਲਡਨ ਸਕੋਚ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਕੋਚ ਅਵਾਰਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਕੋਚ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਡੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੌ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਫਾਈਟਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਫਾਈਟਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵਨ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? 9 ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਫਾਈਟਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ 9 ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਫਾਈਟਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।
ਇਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫੇਮਸ ਰਾਣੀ ਗੰਦੀਲਾ ਸਮਥਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ